गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईएनई, चैप्टर नंबर 11, फूड एंड हेल्थ। प्रीवियस 4 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने ये लेसन की एक्सरसाइज लिखी है, हमने लिखा चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, और लास्ट पीरियड में हमने एक टेबल लिखा था जिसमें विटामिन लिखे थे, उनकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं और क्या खाने से वो डिजीज क्योरेबल होता है। तो आज हम ये लेसन का लास्ट टॉपिक लिखने जा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, नेम 4 न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के बेस पर हमारा पूरा लेसन है, ठीक है। तो आंसर है नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 विटामिन्स एंड नंबर 5 मिनरल्स। ओके, दिस 5 आर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। और जो फूड में ये पांचों पांच न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रपोर्शन में होते हैं वो फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। What are body building foods? Why are they so called? इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। तो आंसर है फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जिसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन है, जैसे ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, मिल्क, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब में बहुत ही दे आर रिच इन प्रोटीन, मैक्सिमम उसमें प्रोटीन है। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब उनको बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, उसी का सब क्वेश्चन है, व्हाई आर दे सो कॉल्ड। तो सेकंड का आंसर हमने लिखा, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, एंड टू रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स। और हमारे बॉडी में जो सेल डैमेज होते हैं और आफ्टर सम टाइम सेल्स रिप्लेस होते ही रहते हैं,
हजारों लाखों सेल डिस्ट्रॉय होते हैं और उसकी अवेजी में दूसरे सेल बनते हैं, तो ये होता है ड्यू टू प्रोटीन या फूड। तो इसलिए प्रोटीन वाला खाना बहुत जरूरी है। वी आर फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज दे हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो एंड टू रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, वॉटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन 3 है हमारा कि वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर एक न्यूट्रिएंट नहीं है। हम जो 5 न्यूट्रिएंट लिखते हैं, ठीक है, उसमें वाटर नहीं लिखते हैं। तो भी ऐसा क्यों कहते हैं कि पानी रोज 6 to 8 ग्लास वाटर इज कंपल्सरी टू अस, बिकॉज वाटर हमारे बॉडी की इंटरनल सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे फूड का डाइजेशन है, फिर तो वो किडनी हमारे जो ब्लड का काम करती है, वो सब इंटरनल प्रोसेस है। जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यू टू वाटर ही पॉसिबल हो सकती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, वाटर इज ये आंसर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन 3, वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर एक न्यूट्रिएंट नहीं है। व्हाई देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक वाटर। तो फिर हमारे लिए वाटर ड्रिंक करना क्यों जरूरी है? तो आंसर है, वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर।
पर हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाते. ओके, हाउएवर वी कैन नॉट लिव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर. थोड़ी देर आप प्यासे रह सकते हो, थोड़े दिन प्यासे रह सकते हो, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम यू कैन स्टे विदाउट वाटर. ओके, पानी के बिना भी डेथ हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल लाइफ प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में वाटर बहुत ज़रूरी है. अगर वाटर नहीं मिलेगा बॉडी को तो वो सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से हमारा बॉडी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा. तो वो कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं? तो डाइजेशन ऑफ फूड. हम कोई भी फूड खाते हैं तो हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, ठीक है? तो पानी से क्या होता है, हमारा फूड सॉफ्ट होता है और चर्निंग इजीली होता है, हमारा जो स्टमक में उसकी डाइजेशन प्रोसेस होती है. और दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हम यूरिन जाते हैं, बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो वो क्या है, हमारे बॉडी का कचरा बॉडी से रिमूव होता है. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो हमारे बॉडी में पॉइजन हो सकता है और उसकी वजह से भी हमारी डेथ हो सकती है. तो ऐसा कहा कि वाटर जो हमने अभी फूड के लिए कहा कि 5 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कहीं भी वाटर का नाम नहीं आया, बट वाटर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ओके, ये मैं एक एक ही आंसर लिख रही हूँ ताकि आप लोग नोटबुक में अच्छे से लिख पाओ. अब हम आए क्वेश्चन नंबर 4. रफेज मतलब ऐसा टेस्टा वाला फूड, ठीक है? तो वो हमारे डाइट में क्यों होना ज़रूरी है? तो रफेज से क्या होता है कि वो उसके जो बल्क होते हैं, रेसे होते हैं, धागे जैसे, वो हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो लिखने के बाद आप समझ रहे हैं. Thank you.
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रफेज इन अवर डाइट हेल्प अस? आंसर, रफेज एड्स बल्क टू अवर फूड एंड हेल्प अवर मसल्स टू पुश द फूड थ्रू अवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ओके, ये जो रफेज वाला फूड होता है उसके जो बल्क होते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर के फूड को इंटेस्टाइन में पुश करते हैं, पुश करने से के लिए हेल्प करते हैं। एंड इट कीप्स अवर इंटेस्टाइन इन गुड वर्किंग कंडीशन, और उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन गुड वर्किंग कंडीशन में मतलब एक्टिव रहती है, और एंड हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है जो एक्सक्रीटर थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसमें हेल्प करता है। तभी कहते हैं ऐसा सूखा सूखा फूड नहीं खाना चाहिए, पूरा रेसे वाला ऐसा जिसको क्या बोलते हैं बल्क बल्की फूड खाना चाहिए, गाजर है, मूली है, ऐसे रेसे वाला फूड खाने से डाइजेशन अच्छे से होता है, हमारे इंटेस्टाइन वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, और हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करने में हेल्प रहती है। तो इन शॉर्ट, अगर हमारे फूड का ये जो डाइजेशन और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? ओके, तो बैलेंस डाइट के लिए तो हमने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है, सारे न्यूट्रिएंट्स भी स्टडी किए हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स कौन से फूड में से मिलते हैं, फिर मैंने खाली ड्रॉ और प्लेट ड्रॉ करके बताया था कि आपका ये एवरीडे मील है उसमें से भी आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट की डेफिनेशन क्या है? अ डाइट विच कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, फिर सारे न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हैं, इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो ये है बैलेंस डाइट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? द आंसर इज अ डाइट विच कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, लाइक फिर वो पांचों पांच न्यूट्रिएंट्स के नाम लिख दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन राइट प्रपोर्शन, सही मात्रा में। कोई ऐसा नहीं कि फैट बहुत ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन नहीं लिया, ये पांचों पांच न्यूट्रिएंट्स राइट प्रपोर्शन में हो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ऐसे फूड को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन 6,
क्वेश्चन सिक्स। लिस्ट थ्री मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, मतलब कि फूड है जो वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे, हम उसको फॉर लॉन्ग टाइम वी कैन यूज इट, तो उसका हमें क्या हम प्रोसेस करेंगे, तो वो फूड को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसका यूज कर सकेंगे। ओके, तो आंसर लिखेंगे द मेथड्स आर, फिगर थ्री कहीं पर हम सारे मेथड लिख देते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कैनिंग, सॉल्टिंग और स्विमिंग, फाइव नंबर है पिकिंग। ओके, अब मैं ये सारे मेथड आपको समझा दूँ। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मीन्स वी हैव टू रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड। एग्जाम्पल है जैसे कि डिहाइड्रेटेड पीस, वो मटर के दाने होते हैं तो उसको हम सूखा देते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो रिमूव हो जाता है, तो वो होता है डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड। फिर दूसरी है कैनिंग, मतलब जब हम फूड को पैक करते हैं तब उसको वैक्यूम कर देते हैं, उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल देते हैं और एकदम वैक्यूम हो जाता है पैकेट। ओके, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, कीटाणु सारे मर जाते हैं और हमारा फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कैन यूज इट। फिर है सॉल्टिंग, तो मतलब कोई भी फूड में हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो जैसे कि फिश को हमें लॉन्ग टाइम तक रखना है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रेड कर देंगे तो हम उसको लॉन्ग टाइम तक रख पाएंगे। फिर है स्वीटनिंग, तो मतलब बाय स्वीट मतलब मीठा, बाय एडिंग शुगर, शुगर को हम ऐड करके, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम स्वीट शुगर ऐड करके उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, शुगर है, सॉरी जाम है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सीरप है, फ्रूट सीरप है, वो सब। और लास्ट में है पिकिंग, पिकिंग मतलब उसको ऑयल में डुबोकर, जैसे हम अचार बनाते हैं तो उसको पूरा ऑयल में डुबा हुआ रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक बिगड़ता नहीं। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन, गिव टू रीजंस न्यूट्रिशन, दो रीज़न ऐसे हमें देने हैं कि क्यों सभी लोगों को हेल्दी फूड नहीं मिलता। तो अब देखो कि आप सोचो, कोई भी हेल्दी फूड आपको बादाम दूध खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ओके, तो अभी सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हेल्दी फूड अफोर्ड कर पाए, तो वन रीज़न इज पॉवर्टी, दे कैन नॉट अफोर्ड द हेल्दी फूड। और दूसरी थिंग है कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं बट देर हैड नो प्रॉपर नॉलेज,
जैसे अभी आपको ये लेसन में पता चल गया कि कौन सा फूड खाने से क्या मिलता है। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि ये ऑयली फूड खाएंगे, घी वाला फूड खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो अवेयरनेस नहीं होती है। ओके, पैसे होते हैं तो अवेयरनेस नहीं होती है। और द मेन रीज़न तो है पॉवर्टी कि दे कांट अफोर्ड इट। तो हम आंसर लिखेंगे द मेन रीज़न is due to poverty, गरीबाई। They have no money to buy such a healthy food. Okay, so that is the main reason. The main reason is due to poverty. गरीबाई की वजह से वो लोग healthy food afford नहीं कर पाते। And the second thing, some people are not aware of the right kind of food to eat. Okay, तो ये है दो reason। फिर से पूरा क्वेश्चन आंसर हम समझ रहे हैं। गिव टू रीजंस व्हाई मैनी पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट। तो नंबर वन, द मेन रीजन इज ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबाई की वजह से वो लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाला फूड नहीं ले सकते। सम पीपल आर नॉट अवेयर, अवेयर मतलब जागृति, दे डोंट नो अबाउट हेल्थी फूड। उनको पता ही नहीं कि कौन सा फूड खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होगी, कौन सा फूड खाने से हेल्थ बिगड़ेगी। अगर बहुत पैसे हैं तो वो जंक फूड में वेस्ट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी होने के बदले और बिगड़ जाती है। सम पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड टू ईट। उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह का फूड खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ओके, आज हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके, आवर लेसन इज कंप्लीटेड हियर। फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 12। ओके, थैंक यू।